Yes, Jai Hind Alaf 12th class students. Today our topic is female gametophyte. हम आज फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में इसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे. As you know, your chapter number 2 running. Chapter number 2 is the sexual reproduction in flowering plants. ठीक है, हमारा सेकेंड चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है और कौन कौन सी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होती है वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट इज अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है. फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो कॉल्ड पिस्टिल. फीमेल गैमेटोफाइट को हम पिस्टिल भी कहेंगे. ठीक है, पिस्टिल या इसे कार्पल भी कहेंगे. ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट आल्सो कॉल्ड पिस्टिल और कार्पल. अब यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कार्पल या पिस्टिल. स्ट्रक्चर ऑफ द कार्पल एंड पिस्टिल. कार्पल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर. देर आर थ्री पार्ट ऑफ द कार्पल. कार्पल्स के जो होते हैं थ्री पार्ट होते हैं. ठीक है, जैसा कि जो है यहाँ पर स्टडी थोड़ा सा छोटा सा स्ट्रक्चर बना के देखेंगे. इस प्रकार से ये जो है देर आर थ्री पार्ट ऑफ द कार्पल. ठीक, इट इज द ओवरी, ओवरी स्टाइल एंड स्टीम. द बेसल पार्ट, स्वेलन पार्ट, जो फूला हुआ भाग होता है इट इज कॉल्ड ओवरी. ठीक है, फिर स्ट्रेट चेम्बर, स्ट्रेट पोर्शन इट इज कॉल्ड स्टाइल. इट इज ट्यूबुलर शेप एंड द ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड स्टिग्मा. ठीक है, तो ये पिस्टिल के कार्पल के तीन भाग हमने देखे यहाँ पे, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा. ठीक, और यहाँ पे देखेंगे हम ओवरी. ओवरी है कंसिस्ट टू और मोर कार्पल. ओवरी के अंदर क्या होता है, दो से ज्यादा क्या होते हैं कार्पल्स पाए जाते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होंगे ओवरी, सॉरी ओवरी के अकॉर्डिंग जो है ओवरी के इस साइड में क्या होंगे ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. ओव्यूल्स प्रोड्यूसेस, ओव्यूल्स प्रोड्यूसेस बाय द मार्जिन. ओव्यूल, ओव्यूल प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के थ्रू क्या होते हैं ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. इस प्रकार से क्या होंगे ओव्यूल्स इस प्रकार से जो है ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. ये ठीक, तो ओव्यूल प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा. प्लेसेंटा प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द ओव्यूल. ठीक है, तो यहाँ पे ओव्यूल स्टडी कर रहे हैं हम. ओव्यूल की स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देखेंगे. ओव्यूल स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल या हम कहेंगे मेगा स्पोरेंजियम. ठीक है, ये तो ओव्यूल जो है ये ओव्यूल, ओव्यूल को जो है मेगा स्पोरेंजियम के नाम से भी हम क्या करेंगे जानते हैं. तो ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम इट इज अ क्वेश्चन टेक लाइक स्ट्रक्चर. ये जो ओव्यूल दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन टेक के स्टेप का दिखाई देता है. ठीक है, ओव्यूल प्रोड्यूसेस बाय द प्लेसेंटा. ओव्यूल प्रोड्यूसेस बाय द प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के थ्रू प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, ओव्यूला, ओव्यूल में फर्स्ट ऑफ ऑल वन स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड फ्यूनिकल. फ्यूनिकल इज अ स्टार्क ऑफ द ओव्यूल. ये जो फ्यूनिकल होता है ओव्यूल का स्टार्क या ओव्यूल का डेंटल होता है. ठीक है, इसे हम इट इज अ फ्यूनिकल एंड अ बॉडी ऑफ ओव्यूल. ये जो फ्यूनिकल और उसका जो बॉडी है. ठीक है, द जॉइंट पोर्शन ऑफ बॉडी एंड फ्यूनिकल इट इज कॉल्ड अ फाइबर. ठीक, जहां पर ओव्यूल की बॉडी और ओव्यूल का स्टार जॉइंट होता है उस प्लेस को कहेंगे हम फाइलम. ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्यूनिकल स्टार हो गया, फ्यूनिकल जो स्टार के डंठल होता है ओव्यूल का. अब नेक्स्ट मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल. ओव्यूल की मेन बॉडी में क्या क्या होता है देखेंगे. ठीक है, फाइलम हो गया. नेक्स्ट है मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कंपोज्ड, मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल इट इज कॉल्ड न्यूसेलस. ये बॉडी में जो ओव्यूल की मेन बॉडी से न्यूसेलस कहेंगे. न्यूसेलस
composed by two wall, जो न्यूसेलस होते हैं वो दो वाल से बना होता है, it is called integument. न्यूसेलस में दो वाल होती है, integument, integument, there are two integument, outer integument and inner integument. ठीक है, ये outer integument है और inner integument है. Okay, integument is incomplete toward the micropyle portion. ठीक है, जो integument होता है micropyle वाले बेस पे जाते हैं नहीं रहती, ठीक है, इनकम्प्लीट रहती है इंटेग्यूमेंट इतना वाला भाग. ठीक है, तो ये इंटेग्यूमेंट वाला जो भाग है माइक्रोपाइल वाले स्थान पे नहीं पाया जाता. ठीक, नेक्स्ट, फिर है द माइक्रोपाइल, द पोर्शन देयर साइड इंटेग्यूमेंट नॉट फॉर्म्ड इट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. ठीक, जो वह स्थान जहाँ पे माइक्रोपाइल एब्सेंट, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं होगा, ये जो है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर शेप, माइक्रोपाइलर पोर्शन, द पोर्शन देयर साइड माइक्रो स्पोर्स गोज इनटू इनटू न्यूसेलस. ठीक, तो जो माइक्रोपाइल है वो स्थान है जहां से जो पोलन ट्यूब है वो न्यूसेलस में एंटर करती है. ठीक, तो पोलन ट्यूब एंटर टू द न्यूसेलस, दिस दिस पार्ट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. ये इसी का भी पोलन ट्यूब अंदर जाती है. पोलन ट्यूब है मेन न्यूक्लियस या माइक्रो जो है मेन गैमेट्स कहेंगे उसको. ओके, नेक्स्ट चले जा, द बेसल पार्ट, द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इट इज कॉल्ड चले जा. चले जाता है ओव्यूल की बॉडी का जो बेसल पार्ट है, चले जा कहेंगे. ठीक, अब कहेंगे, अब हमें जो है इनसाइड देखेंगे, द इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इट इज अ फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट आल्सो कॉल्ड द एम्ब्रियोसिस, जो है न्यूसेलस के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोसिस. किसे एम्ब्रियोसिस कहेंगे, एम्ब्रियोसिस, एम्ब्रियोसिस कंसिस्ट एट न्यूक्लियस, एम्ब्रियोसिस के अंदर एट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. There are eight nucleus, nuclei present in the embryosis. Okay, toward the chelator portion, three nucleus is called antipodal cells. Okay, after them, three nucleus toward the micropylar portion, in which the middle nucleus it is egg operator. Egg operator is a female gamete. ये क्या होता है female gamete? Gamete को represent करता है. ठीक, other two gametes side to side, egg it is called synergies. And two nucleus consist middle side of embryosis. It is called polar nuclei. Polar nuclei is a diploid nuclei. दोनों nucleus के two ends diploid nucleus बनाते हैं. Okay, इस प्रकार से embryo जो है ओवल की structure है. Understand, students? यहाँ पे हमने जो हर एक structure को जो है finally यहाँ पे study किया है. Study this structure in helping your books and complete the structure with the diagram. Yeah, in color too.